छत्तीसगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। चुनावों के दौरान हनुमान कथा सुनाना बीजेपी उम्मीदवार को भारी पड़ गया है। चुनाव आयोग ने इसे लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। तो क्या है चुनाव आयोग का फैसला जिससे मुश्किल में दिख रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट पर 7 मई को वोटिंग हो चुकी है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में सांसद सरोज पांडे चुनाव मैदान में हैं। लेकिन वोटिंग के बाद उनकी उम्मीदवारी संकट में फंस गई है। दरअसल चुनाव आचार संहिता के बीच 26 अप्रैल को सरोज पांडे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए पहुँच गयी थी। धीरेन्द्र शास्त्री कोरबा के चिमिरी में हनुमान कथा सुना रहे थे और जब उन्होंने सरोज पांडे को देखा तो उन्हें अपने मंच पर बुला लिया और इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने सख्त फैसला लिया है। निर्वाचन आयोग ने धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा के आयोजन में हुआ पूरा खर्च बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जोड़ने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल कांग्रेस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर सरोज पांडे को नोटिस भी जारी किया गया था। सरोज पांडे ने अपने जवाब में कहा था कि कार्यक्रम उन्होंने नहीं कराया और न ही मंच से बीजेपी का प्रचार किया गया। इसके बाद आयोग ने कार्यक्रम की वीडियोग्राफी देखी और उसके बाद फैसला सुनाते हुए कार्यक्रम का खर्च चुनाव खर्च में जोड़ने का फैसला सुना दिया। कोरबा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे ने जो खर्च का ब्यौरा दिया है उसमें उन्होंने 5 मई तक 51,67,553 रुपए खर्च किए हैं। 6 और 7 तारीख का खर्च इसमें शामिल नहीं है। चुनाव खर्च की सीमा 90 लाख है। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमान कथा का खर्च अगर 39 लाख से ऊपर का खर्च जाता है तो बीजेपी प्रत्याशी तय खर्च सीमा से ज्यादा राशि खर्च करने के मामले में फंस जाएगी और उनका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। DB लाइव की रिपोर्ट।